भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे आनंद अंबानी इसी साल 12 जुलाई को शादी के बंधन में बने हैं। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर यानी कि राधिका मर्चेंट से शादी की है और इस शाही शादी में पूरे बॉलीवुड ने शिरकत की थी। हालांकि कंगना रनौत आनंद अंबानी की शादी में किसी फंक्शन में नहीं गई और अब कंगना ने इसकी आखिरकार वजह बताई है। दरअसल बताते चले कि सिद्धार्थ कालन को हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कंगना रनौत का खुलासा क्यों उन्होंने आनंद अंबानी की शादी अटेंड क्यों नहीं की। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें खुद आनंद ने फोन करके इनवाइट किया था, लेकिन उस दौरान उनके घर में भी एक फंक्शन था और घर का फंक्शन हर एक इंसान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो उस फंक्शन में शरीक नहीं होती तो वो जरूर आनंद अंबानी की शादी में गई होती, लेकिन बताते चले कि उनके जब घर में फंक्शन था तो वो दूसरी शादी कैसे अटेंड कर सकती थी। बताते चले कि कंगना रनौत ने कहा कि मुझे आनंद अंबानी का फोन आया और वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लड़का है। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी शादी में आइए। मैंने कहा कि मेरे घर पर भी शादी है। वो दिन बहुत शुभ था। और बताते चले कि उन्होंने कहा था कि मेरे छोटे भाई की शादी हो रही है। खैर, वैसे भी मैं फिल्मी शादियों में जाने से काफ़ी ज़्यादा बचती हूँ। और उन्होंने कहा कि आनंद अंबानी की शादी के किसी भी फंक्शन में मैं नहीं जा पाई, क्योंकि इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है, लेकिन मेरे घर में भी शादी थी, इस वजह से मैं उस शादी में शरीक नहीं हो पाई। बताते चले कि कंगना आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट ने मार्च में गुजरात के जामनगर में अपना पहला प्री वेडिंग फंक्शन होस्ट किया था। इसके बाद 29 मई से 2 जून तक क्रूज पर उनका सेकेंड प्री वेडिंग फंक्शन हुआ, जो कि 2 ग्रैंड प्री वेडिंग बैश के बाद आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट ने 12 जुलाई को मुंबई में ग्रैंड वेडिंग के बीच ग्रैंड वेडिंग की और 3 दिनों तक चले शादी के फंक्शन में दुनिया भर के दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। बॉलीवुड से लेकर सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन, अनन्या पांडे, सारा अली खान, जानवी कपूर जैसे सितारे आनंद अंबानी की शादी में शामिल हुए। हालांकि कंगना रनौत इस तमाम फंक्शन से दूरी बनाकर रखी। वैसे आपकी इस पर क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सनलाइन।